जो दिल्ली वाली भी जो केस हुई थी जो दिसंबर में, उसमें बिल्कुल 24 घंटे के अंदर में ही सारे आरोपी पकड़े गए थे। अब सवाल आता है कि इन आरोपियों के साथ हम क्या करते हैं और क्या हमारा रिएक्शन है इन आरोपियों के साथ। अगर आपको ख्याल होगा तो एक आरोपी के बारे में काफी चर्चा हुई कि ये 16.5 साल का, ये 17 साल का है और इसको लेकर के उसको सजा में छूट छाट देने की बात की जा रही थी, उसको जुवेनाइल होम में रखने की बात की जा रही थी। मेरा मानना है कि अगर इस तरह के कोई भी आरोपी पकड़े जाते हैं तो इस तरह से कड़ी की कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि जो है समाज के सामने एक मिसाल हो कि वो आगे करियर से घबराएं और वो सजा जो है वो तुरंत का ही तुरंत जो है इसका उसका जो रिएक्शन है और जो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो उसका कन्विक्शन है वो तुरंत आ जाना चाहिए। ये नहीं कि आप केस कर रहे हैं और तुरंत आरोपी की आपने ये, मैं मानती हूँ कि जब भी इस तरह के केसेस होते हैं इमीडिएटली जो है तंत्र या पुलिस है उसको खबर पड़ जाती है कि आरोपी कौन है इसमें, इमीडिएटली जो है आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए और एक्शन इस तरह से होनी चाहिए कि बाकी के लोगों को भी काफी डर लगे इस तरह की हरकतें करने में। तो और दूसरी बात, जैसा ये बता रही है कि पुलिस का डर नहीं है, ऑफकोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह के जिम्मेदार आदमी जो है किस पोस्ट पे है इसका एक काफी फर्क पड़ता है। अगर बहुत ही कोई बिल्कुल ही निष्पक्ष, बहुत ही ईमानदार और कन्वर्ट कोई भी पुलिस कमिश्नर हो तो उसके आते के साथ ही एक जनता में एक इमेज उसकी बनती है कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो ये पुलिस कमिश्नर से हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन जैसा ये बता रही है कि ये पोलिटिकल नेक्सस और पुलिस और पोलिटिकल नेक्सस होता है, ये बहुत ही सही चीज है। इससे क्या होता है कि जो बिल्कुल ही ढीले ढाले अफसर है वो आते हैं और इस तरह से जो है वारदातें बढ़ती जाती है हमारे समाज में। तो एक अच्छे अफसरों को कद्र करना और उनको अच्छे जिम्मेदारियां देना, ये भी हमारी एक जिम्मेदारी बनती है हमारी समाज की। बिल्कुल, ये बात सही है अने जे वात चली रही छे के तंत्र सामे जवाबदारी नो प्रश्न मुकाय छे, हजी पण मुकाय छे के आ वस्तु आटली घटनाओ घटी छे, जवाबदारो पकड़ाया पण छे, तो पण શા માટે આવ પકડાયા ક્યારે? મારો પોઈન્ટ યે થી મેડમ કે આપણે પકડ્યા ક્યારે? 24 घंटे में कब पकड़ा? जब प्रेस ने और सब मीडिया ने हो हल्ला किया कि ये गलत हो रहा है, देखो इसको, तब पकड़े गए। मैं बताती हूँ ऐसा नहीं है कि वो अगर पॉलिटिकल विल हो और पुलिस विल हो तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन वो तो विल ही नहीं है। वो प्रेस बोलेगी, टीवी में आएगा कि भाई इसने किया, तब वो लोग जाके करेंगे कि हाँ पकड़ेंगे। सो आई वुड नॉट से कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग इट बट दे डोंट वॉन्ट टू डू इट। मेरा भी इश्यू वो हो रहा है। दूसरा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बहुत काम का एग्जाम्पल है। हाँ कि ये कहना है कि जैसे कि एग्जाम्पल, आज से कुछ साल पहले एक बाजी.com करके वेबसाइट थी, उस पे उसके सीईओ को जेल में रख दिया। क्यों उसके सीईओ पे जेल में रख दिया? क्योंकि उसके सीईओ के उस साइट पे किसी ने अपलोड किया था पायरेटेड कॉपीज। नाउ यू नो ऑन अ वेबसाइट एनीबडी कैन अपलोड एनीथिंग, तो सीईओ को जेल में नहीं रख सकते, लेकिन उसको रख दिया गया। कहना कि भाई साइट तुम्हारी है इसलिए रख दिया। तो सेम पुलिस वाले केस में आता है कि भैया तुम्हारे अंडर के लोग है, तुम्हारा अगर एसीपी हवलदार भी नहीं, एसीपी किसी को थप्पड़ मारता है, इस तरह रेप्स तुम्हारे वहां बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं तो बोलूं जेल में रख दो उसको भी। अगर ही कैन नॉट कंट्रोल हिज पीपल, ही बेटर गो गिव्स। अगर आप किसी बिजनेसमैन को रख सकते हो तो उनको भी रखना चाहिए। सो मेरा ये सब पॉइंट्स कहने का होता है आपको सर। बिल्कुल, ઉઝાન લાસ્ટ બે સેન્ટેન્સ જે વાત થઈ એમ્પાવરમેન્ટ થતો એમ કહી શકાય, આ બનાવો મારા માટે સ્ત્રીઓને નહીં, અત્યારે તો બહુ સિમ્પલ ભાષા, સ્ત્રીઓ તો બિચારી જે કરે છે કરવાનું છે, સોસાયટી હેલ્પ કરે છે, આપણે તો સિમ્પલ આજ શીખ્યા છીએ, સોટી વાગે ચમચમ, વિદ્યાવે ધમધમ, ટોપ ડાઉન એપ્રોચ ચાહીએ। સૌથી પહેલા આ લોકોને ગુનેગારોને સજા થવી જોઈએ, જે પોલીસ વાળા કમ્પ્લેન ના લે એ લોકોને ભી સજા થવી જોઈએ। મેં ભી એક વાત કહેવા ચાહુંગી, लास्ट दो मिनट जी, जो आप जो कहना चाहते हैं प्लीज। ये जब भी इस तरह की केसेस रिपोर्ट होते हैं, हम समाज में रहने वाले लोग हम ये डिमांड करते हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप क्या क्या इसके ऊपर आपने कदम उठाया है, पुलिस तंत्र ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, एक एक कदम की जो है हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हम भी समझ सके कि ऐसे आरोपी क्यों बहुत देर तक बाहर घूमते रहते हैं और क्यों छूट जाते हैं इस तरह के आरोपी हैं। हमारा ये डिमांड है कि आप प्लीज बी ट्रांसपेरेंट, बी सपोर्टिव एंड बी मोर सेंसिटिव। मैं पुलिस तंत्र या प्रशासन से ये उम्मीद करूंगी। बिल्कुल, तो दर्शक मित्रों जो के बने अतिथियों खूब कही सकते आक्रमक रीते अने खूब सरस समझायो छे के क्या आगळ समाज छे पाछो पड़ी रह्यो छे, तंत्र तंत्र क्यांक बिन जवाबदार बनी रह्यू छे, तंत्र जे विश्वसनीयता पुरवार करवू जोईए समाज प्रत्ये, लोको प्रत्ये, के जेना माटे ते लोकोनो जवाबदारी छे ત્યાં ફરજ બજાવવામાં ક્યાંક નિષ્ફળ ગયા છે અને એ પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે, સતત બનાવો વધતા ગયા છે, પણ ક્યાંક એક કડકાઈ બતાવવામાં ઊણું ઉતર્યું છે, તો સમાજ કે લોકો એ ઈચ્છે છે કે તંત્રે ઝડપી રીતે ન્યાય અપાવો જોઈએ અને એવો દંડ આપવો જોઈએ કે જે ઉદાહરણરૂપ બને કે બીજા વ્યક્તિઓ કરતા ડરે।
બીજી વસ્તુ કે સમાજે પણ થોડું બધું જાગૃતિ ફેલાવી છે, ફક્ત નારા કરવાથી હલ્લા કરવાથી નહીં પણ સાચા અર્થમાં દરેક સ્ત્રીને સમજ પડવી જોઈએ કે ચોક્કસપણે તેના પર અત્યાચાર થાય તેનો વિરોધ કરવો જોઈએ, આગળ આવવું જોઈએ અને બીજા લોકો જો સાથે એને સપોર્ટ આપશે તો સમાજમાં એક એને સ્થાન પણ સારું મળશે, એક ફરીથી પણ પરિસ્થિતિને તે પછી બહાર આવી શકશે. તો આજની ચર્ચામાં એ જ રહ્યું કે તંત્ર જવાબદાર છે, તંત્ર જો ચોક્કસપણે જો નક્કી કરતું હોય તો આ બધા પગલા એવા ભરી શકે કે આ બનાવો ચોક્કસપણે કદાચ અટકે નહીં તો ઘટે ચોક્કસ. તેને આપણે અને સમગ્ર સમાજ પણ આ જ આશા રાખી રહ્યો છે કે ભારત દેશ છે, આ દેશમાં આવા બનાવો ચોક્કસપણે ઘટવા જોઈએ. તો રુઝાન આપનો ખૂબ આભાર અને આપનો અર્ચનાજી ખૂબ આભાર, થેન્ક યુ વેરી મચ. તો દર્શક મિત્રો ફરી મળીશું લોકમંચમાં એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો, નમસ્કાર.